सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है वो एंडेवर के बारे में होने वाली है। तो फोर्ड एंडेवर जो कि इंडिया की बहुत फेमस, पॉपुलर और बहुत कैपेबल एसयूवीज में से है, उसका नया मॉडल जो है लॉन्च होएगा इंडिया में 2022 में। ये गाड़ी अभी टेस्टिंग फेज में है, इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। इसमें हमको काफ़ी मेजर अपग्रेड्स जो हैं वो देखने को मिले। ये एक नया वर्जन, एक नई जनरेशन होने वाली है इस गाड़ी की। क्या क्या अपग्रेड्स और क्या क्या नए मॉडिफिकेशंस जो हैं कंपनी करके इसको लॉन्च करेगी, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन। ओवरऑल नई वाली एंडेवर में जो है आपको बहुत सारे अपग्रेड जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर लें तो फ्रंट में जो है बहुत अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो इस बार जो है फ्रंट में और ओवरऑल बॉडी में भी काफ़ी अपग्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट में अगर हम देखें तो इस बार नई जो है हेडलाइट देखने को मिलेगी, नए हमको इस बार फॉग लैम्प्स देखने को मिलेंगे, सी शेप के LED फॉग लैम्प्स जो है वो देखने को मिलेंगे। फ्रंट जो है गाड़ी का जो है बहुत अपग्रेड हो गया है, बहुत नया एक अनकन्वेंशनल सा फ्रंट है जो कि बहुत रिच लुक दे रहा है इस गाड़ी को। तो अब ये पहले जैसी रगेड SUV नहीं, एक्सपेंसिव SUV लग रही है। अब ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी लग रही है बहुत ज़्यादा। अब देख के लग रहा है कि इसकी जो प्राइसिंग जो है गाड़ी की वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसमें जो है नई शेप के जो है आपको हेडलैम्प्स, नई शेप के फॉग लैम्प्स देखने को मिलेंगे। बम्पर का डिज़ाइन, ग्रिल का डिज़ाइन, सारे डिज़ाइन जो हैं वो अपग्रेड हो चुके हैं। सब कुछ आपको एक नया डिज़ाइन, एक नए एलिमेंट के साथ मिलेगा। इसमें जो है इंटीग्रेटेड स्पॉयलर आपको पीछे देखने को मिलेगा, नए टेल लैम्प्स देखने को मिलेंगे। पीछे जो हम बम्पर के डिज़ाइन देखते हैं वो भी बदल चुका है, ओवरऑल टेल गेट का डिज़ाइन भी बदल चुका है। तो ओवरऑल रीमैप कर दिया गया है इस गाड़ी को, एक नया मॉडल, एक नया लुक जो है इसका तैयार किया गया है। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन जो है इसकी प्रिपेयर करी है, पिछली जनरेशन की जो एंडेवर थी वो थोड़ा सा रगेड लुक वाली थी, उस हिसाब से डिज़ाइन थी। लेकिन इस बार जो है इसको एक प्रीमियम सेगमेंट में, क्योंकि इसकी प्राइसिंग ऑलरेडी प्रीमियम है, तो इसीलिए इसको और प्रीमियम लुक मिले और प्रीमियम सेगमेंट की SUV लगे भी, उस हिसाब से जो है इसका नया लुक, आउटर लुक जो है वो तैयार हुआ है। अगर इसके बाद हम इसकी फ़ीचर्स और इंटीरियर के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको ब्लैक्ड आउट इंटीरियर इस बार देखने को मिलेगा। पिछले इंटीरियर से इस बार इंटीरियर जो है वो और एक्सपेंसिव और कंफर्ट लेवल को बढ़ाने वाला, उस हिसाब से जो है ढाला हुआ इंटीरियर होगा। नए फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स और मसाज सीट्स और ये सब चीज़ें आपको इस बार देखने को मिलेगी। वायरलेस चार्जिंग वगैरह तो देखने को मिलनी ही है। इस बार जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी डिस्प्ले जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इस बार आपको और ज़्यादा फीचर्स वाली जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, और ज़्यादा आपको जो है एक्टिव क्रूज कंट्रोल टाइप की इस तरह के फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और अपग्रेडेड सेफ्टी फीचर्स इस बार आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें तो इस बार हमको 3 लीटर V6 इंजन, डीजल इंजन जो है वो इंडिया में देखने को मिल सकता है, साथ ही में 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन भी रहेगा एंडेवर में। इसके बाद बात करें तो लेदर फिनिश वाला जो है इंटीरियर होगा, बड़ी पैनोरमिक सनरूफ होगी, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। इस बार जो है 7 सीटर, एक प्रॉपर 7 सीटर के हिसाब से इसको बनाया गया, इसलिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो गाड़ी की बढ़ चुकी है। इस बार प्राइसिंग में भी आपको हाइक ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है ये अपना सेगमेंट से ऊपर मूव करती जा रही हैं, एक्सपेंसिव और लग्जूरियस SUVs की तरफ ये जो है मूव कर रही हैं, लुक वाइज भी, फीचर्स वाइज भी और कम्फर्ट वाइज भी। ये गाड़ी पहले से ज़्यादा सेफ, पहले से ज़्यादा केपेबल, पहले से ज़्यादा फीचर्स से फिटेड और पहले से ज़्यादा रिच लुकिंग होने वाली है। तो और डिटेल्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अभी इसके बारे में इतनी डिटेल्स निकल के आई हैं क्योंकि ये गाड़ी अभी टेस्टिंग फेज में है। तो जैसे ये गाड़ी आगे आगे मूव करेगी, इसकी और टेस्टिंग जो है होती हुई नजर आएगी, इसकी लीक्ड इमेजेस सामने आएगी, तो और फीचर्स के बारे में जो है हमको पता चलेगा और हम साथ में आपको अपडेट करते रहेंगे। तो उन्हीं अपडेट्स के लिए बने रहे चैनल के साथ। इसको सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको क्या लगता है ये जो नया लुक है ये किस हिसाब से उभर के आएगा, और जैसे इन गाड़ियों की प्राइसिंग बढ़ती जा रही है तो वो वर्थ भी है या आदमी को ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां जो उस प्राइसिंग में स्टार्ट हो जाती हैं उनको कंसिडर करना चाहिए? तो आपको क्या लगता है, इन गाड़ियों का प्राइस बढ़ना चाहिए या इनको मेंटेन रखना चाहिए, या इसमें और फीचर्स के साथ अपग्रेड्स आते रहने चाहिए? तो उसमें तो लाजमी है कि प्राइस बढ़ेगा ही। तो आपको क्या लगता है इन गाड़ियों के बारे में, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट्स में। ख्याल रखो दोस्तों, सेफ रहो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक ख्याल रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद।